हमारे आंखों के अंदर रेटिना पर दो बहुत ही महत्वपूर्ण सेल पाई जाती हैं, कोन सेल और रॉड सेल। कोन सेल की वजह से हम रंगों को देख पाते हैं, वही जो रॉड सेल है इसके वजह से हम लाइट को सेंस कर पाते हैं। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोटीन रिलीज होता है इस रॉड सेल से, जिसका नाम है रोडोप्सिन। ये रोडोप्सिन क्या करता है, लाइट को अब्सॉर्ब करने के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और रॉड सेल रोडोप्सिन प्रोटीन रिलीज कर सके इसके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है हमारे शरीर में विटामिन ए की। जब भी किसी व्यक्ति में विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है तो व्यक्ति में ये रोडोप्सिन प्रोटीन का निर्माण भी कम होने लगता है। ऐसे कंडीशन में रात के समय जब लाइट बहुत कम हो जाती है दिखाई देना बंद कर देता है, क्योंकि रोडोप्सिन प्रोटीन न होने के कारण से लाइट आंखें अब्सॉर्ब ही नहीं कर पाती हैं, उन्हें डिटेक्ट ही नहीं कर पाती हैं जो ब्रेन को सिग्नल दे सके। ऐसे कंडीशन में व्यक्ति को नाइट ब्लाइंडनेस होने लगती है, जिसे हम हिंदी में रतौंधी कहते हैं, मेडिकल टर्म से निक्टेलोपिया भी कहते हैं। देखिए, कोन सेल बहुत ज्यादा सेंसिटिव नहीं होता है, जब तक रॉड सेल एक्टिवेट होकर लाइट को अब्सॉर्ब नहीं करती है तब तक हम चीजों को ढंग से देख भी नहीं पाते हैं। ज्यादातर केसेस में छोटे बच्चों को रतौंधी होने की समस्या देखी जाती है, और ये खासकर उन जगहों पर जहां पर बच्चों को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, जो बैकवर्ड इलाके हैं, जो बहुत ज्यादा पिछड़े क्षेत्र हैं, वहां के लोगों को रतौंधी ज्यादातर देखी जाती है। इसीलिए इसका इलाज भी बहुत ही सिंपल सा है, भरपूर पोषण युक्त भोजन करना जिसमें विटामिन ए की मात्रा भरपूर हो, हरी सब्जियां वगैरह खाना इसका इलाज होता है। और विटामिन ए की मात्रा संतुलित मात्रा में ही लेनी चाहिए, ना कम ना ज्यादा।